और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। बार एसोसिएशन ने दायर की अवमानना याचिका, अवमानना याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अरे सीज सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अवमानना की जो याचिका दी गई है उस पर सुनवाई करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक, सुप्रीम कोर्ट तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक खुल चुका है। चुनाव आयोग के दफ्तर भी खुल चुके हैं। और आज की रात पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल होगा, पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, ये तय करेगी आज की रात। और आज की रात पाकिस्तान से जुड़ी हर खबर जी न्यूज पर आप अपने टीवी पर देख सकते हैं। हम आपको पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं। यहां फौज की क्या भूमिका होगी आगे, इमरान खान का क्या भविष्य होगा, ये जो सियासी संकट चल रहा है इससे क्या वाकई कोई और रास्ता निकलेगा, या फिर अस्थिरता का, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का एक और नया दौर शुरू होगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में रात 12:30 बजे सुनवाई होनी है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। सुप्रीम कोर्ट भी कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खोला गया है। तो आज पाकिस्तान पर यह रात बहुत भारी है, बहुत ही अहम है यह आज की रात। इस्लामाबाद की सड़कों को सील कर दिया गया है। इन सब के बीच फौज की क्या भूमिका रहेगी, क्या कमर जावेद बाजवा इस सियासी उठापटक को थामने के लिए अपने हाथ में कमान ले सकते हैं। अब तक वो यही कहते रहे हैं कि इस सियासी लड़ाई में उनका कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान की सेना की कोई भूमिका नहीं है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बार एसोसिएशन ने अवमानना याचिका दायर की है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और रात को ही सुनवाई हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि वो इस मामले पर सुनवाई करे। उधर पत्रकारों से बैठक में इमरान खान ने यह कहा है कि हार नहीं मानूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, अंतिम गेंद तक खेलता रहूंगा। लेकिन क्या एक क्रिकेटर के तौर पर बेहद कामयाब रहे इमरान खान की पारी का अंत, सियासी पारी का अंत एक नाकाम राजनेता के तौर पर होगा, या फिर यहां से इमरान खान और मजबूत होकर उभरेंगे? क्योंकि 2018 में भी इमरान खान सत्ता में जब आए थे तो उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी। मैजिक फिगर जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का है 172, उससे वो दूर रहे थे। उन्हें दूसरी पार्टियों का समर्थन लेकर के सरकार बनानी पड़ी, सरकार चलानी पड़ी। विपक्ष उनकी नाक में दम किए रहा। और इमरान खान जो ये मैंडेट मांगने की बात कह रहे हैं, क्या वो मैंडेट मांगने के लिए ये पूरा सियासी ड्रामा उन्होंने रचा है और जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे यही लग रहा है कि वो चुनाव में विपक्षी पार्टियों को एक तरफ और उनका मुकाबला सिर्फ इमरान खान से है, और कहीं ना कहीं इस्लाम के रक्षक का, पाकिस्तानी अस्मिता, पाकिस्तानी प्राइड के रक्षक का और सोशलिस्ट नेता की छवि अपनी देने की कोशिश कर रहे हैं। बात बात वो पर वो इंसाफ की बात करते हैं कि इंसाफ करना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था उसका भी जिक्र किया। तो इमरान खान ने काफी कुछ तकरीरें की हैं। अमजद अयूब मिर्जा, पिछले कुछ दिनों के इमरान खान के भाषणों पर नजर डालें तो उनकी पॉलिटिक्स किस ओर जाती दिखती है? अमजद अयूब मिर्जा साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, इमरान खान के पिछले कुछ दिनों के भाषणों को देखें तो वो 71 से लेकर के 47 तक हर जगह का जिक्र कर देते हैं। मदीना की रियासत का जिक्र करते हैं, ईस्ट पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, इस्लामोफोबिया का भी जिक्र करते हैं, अमेरिका का भी जिक्र करते हैं। बड़ी अच्छी सी उन्होंने खिचड़ी पकाई हुई है, ये सियासी खिचड़ी क्या काट की हांडी पर चढ़ेगी? देखें जी, ये काट की हांडी जो है नहीं चढ़ सकती, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट है
और वाकया है उसको ये बीच में से स्किप कर जाते हैं, वो है 22 अक्टूबर 1947 जब इन्होंने पीओजेके के ऊपर पाकिस्तान अपना जम्मू कश्मीर पे हमला किया और रियासत को। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।